जी, ये ना मेंडले जो है मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड कर लेना है आपने। अच्छा, आप ऐसा करें, माइक ना वो म्यूट कर लें, फिर ना वो थोड़ा सा बोलने में क्लियर हो जाएगा। फिर जब सवाल हुआ तो फिर वो मैं स्क्रीन ऑफ करके ना वो हो जाएगा। तो ये मेंडले आपने ओपन कर लेना है गूगल पे लिख के। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा जो है ना वो आ जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट अकाउंट और साइन इन। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैंने साइन इन कर लेना है, आपका नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड आपने इसको कर लेना है। डाउनलोड कर लेना है तो ये मैं अभी डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आगे। ये देखें ये क्या है, डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप फॉर विंडो, मीन ये आपकी डेस्कटॉप के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसकी एक्सटेंशन जो है वो भी यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है, ताकि आप यहाँ से भी इजीली इंपोर्ट कर सकें और वहाँ से भी आपका ये देखें वेब इंपोर्टर भी है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, मैं बैक जा रहा हूँ, डाउनलोड मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो साइन इन कर लेना है आपने, क्रिएट अकाउंट कर लेना है अगर न्यू है तो, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन कर लेना है। तो ये तो ये एरर आ गया, इसको मैं थोड़ा दोबारा से करता हूँ, क्यों आ रहा है ये एरर। ये देखें ये मेरा जो है ना वो साइन इन हो गया है। ठीक है, ये मेरी लाइब्रेरी है, ये इसको मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको तीन चार किस्म के फोल्डर शो होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है तो इसलिए स्लो स्लो जो है ना ये काम कर रहा है। तो ये देखें ये मेंडले जो है, ये जो है ना यहाँ पे ये देखें ये शो कर रहा है, ये मेरी जो मैंने सेव किए हुए हैं अपने लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स वो सारे शो कर दिया इसने। ठीक है, मुझे नहीं देखना, डिसमिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे आ गए, और ये देखें यहाँ पे माई लाइब्रेरी में ऑल डॉक्यूमेंट्स आ गए, और ये जो मेरे फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये फोल्डर जो हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें ये इसमें पड़ा हुआ है, ये इसमें ये, ठीक है, इस तरह से फोल्डर बने हुए हैं और यहाँ पे जो है ना इसमें पड़े हुए हैं जो आर्टिकल जो मैंने वेब इम्पोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेब इम्पोर्ट, से इम्पोर्ट करने के बाद आपके साइन इन करने में वो सारी लाइब्रेरी में आपके सेव होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इम्पोर्ट कैसे करने हैं तो आप भी, आपको मैं अपना वर्ड फाइल दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब वर्ड फाइल में आपने क्या करना है, मीन्स आपने कुछ भी लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे लाइन जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपने कहाँ पे जाना है, जब आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके वर्ड में जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड होने के बाद आपने रेफरेंस पे क्लिक करना है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा मेंडले का, ये देखें मेंडले, और ये जो पोर्शन है ना कंप्लीट ये मेंडले का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है इंसर्ट साइटेशन दे रहा है, अंडो कर सकते हैं आप, रिफ्रेश कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओपन मेंटली कर सकते हैं यहाँ से, और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी मीन्स रेफरेंस भी जो है आप ऐड कर सकते हैं यहीं से। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट साइटेशन पे जाना है। ठीक है, आपने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करना है तो आपको क्या नाम है ये एक ऑप्शन ओपन कर देगा, एक मिनट थोड़ा सा। ये देखें ठीक है, ये इसने ओपन कर दिया, ये पूछ रहा है आपकी माई लाइब्रेरी ओवरऑल में चेक करना है। ठीक है, माई लाइब्रेरी में चेक करना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोरोना लिख रहा हूँ, तो ये कोरोना के बारे में जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना वो सारे निकाल देगा। तो इन सब में कहीं ना कहीं पे कोरोना का वर्ड जो है ना वो यूज़ हुआ है। ठीक है, ये मेरी लाइब्रेरी में आर्टिकल पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, फॉर
फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला आर्टिकल है, वैसे तो ये मैंने सिर्फ कोरोना लिखा है इसलिए इतने आगे, जब आप अपने पेपर का टाइटल जो है ना वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो फिर वो एक ही पेपर निकालेगा, ज़्यादा नहीं निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये वाला जो है मैंने करना है, तो ये इसने कर दिया कि YU 2020 जो है इसका रेफरेंस है, ये इसका ऐसे तरह से रेफरेंस जो है ऐड कर देगा। ठीक है, अब ये हो गया एक रेफरेंस। ठीक है, अगर आप चाह ये जो मैंने सेटिंग की हुई है ना वो APA स्टाइल में है, ठीक है, अगर आप किसी और में करना चाह रहे हैं तो आप क्या नाम है वो भी कर सकते हैं, अपना यहाँ से स्टाइल भी जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इंस्टॉल हुए हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा मोर स्टाइल्स में आप जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपको चाहिए आप वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एब्रीवेशंस वगैरह क्या है वो सर देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, और मेंडले के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मोर स्टाइल में जाते हैं तो ये देखें, ये आ गया जी, ये जो जनरल होते हैं हर जनरल का अपना होता है, यहाँ पे मैंने सपोज किया ELS लिख दिया, तो ये ELS जितनों में भी आ रहा है तो ये कह रहा है कि एक विदाउट टाइटल्स मांगते हैं, विद टाइटल्स मांगते हैं। ठीक है, हर जनरल का उन्होंने निकाल दिया, एनर्जी एंड फ्यूल्स और इस तरह से, जिस तरह का फिर आपको चाहिए आप देख सकते हैं। अदरवाइज इंस्टॉल में ये पड़े हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं APA में कर रहा हूँ तो ये सारा APA में रखेगा। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया तो ये जो है APA में। इसके बाद आपने क्या करना, जब आपका पेपर कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो आपने क्या करना है जस्ट इंसर्ट करना है बिब्लियोग्राफी, और ये आपका रेफरेंस जो है जितने भी रेफरेंस होंगे वो सारे ऐड कर देगा। जी, तो ये जो है ना रेफरेंस जो है ये हर जितने भी आपके होंगे कंप्लीट वो सारे जो है ना ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे एक ही किया था, अगर हम यहाँ पे दो करते मीन एक इंसर्ट और कर लेते हैं, जैसे सार्स में लिख देता हूँ, तो ये सार्स के बारे में आ गया तो ये इसने इसका भी ऐड कर दिया। अब आप नीचे देखते हैं, ये देखें इसने ऑटोमेटिकली जो है ना दो अपडेट कर दिए हैं। अगर आप तीन, अगर आप ये स्टार्ट में ऐड करें तब भी ठीक है, लास्ट में ऐड करें तब भी ठीक है, मैं तो लास्ट में ऐड करता हूँ, वो आपकी अपनी मर्जी, आप कैसे ऐड करते हैं, स्टार्ट में ऐड करें या लास्ट में ऐड करें वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और रिफ्रेश करते जाएं साथ साथ, या लास्ट में रिफ्रेश एक दफ़ा कर लें सारे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करके, तो वो आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया आपने अपनी वर्ड फाइल में कैसे करने हैं इंसर्ट रेफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद आ गया जी कि आपने अपने वेब इम्पोर्टर माई लाइब्रेरी में कैसे लेके जाने हैं। ठीक है, वेब इम्पोर्ट कैसे करनी है, तो मैं यहाँ पे गूगल स्कॉलर खोल रहा हूँ। ठीक है, ये लाजमी नहीं है गूगल स्कॉलर, आप यहाँ से कहीं भी कुछ भी खोल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कैमल मेट। ठीक है, ये देखें इसने बहुत सारे पेपर खोल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना इस पेपर को साइट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पेपर को ओपन करके भी वेब इंपोर्ट कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि आप ओपन करके जो है ना वो इंपोर्ट करें, ताकि वो सारे उसी पेपर की डिटेल्स उठाए, दूसरों की ना उठाए। बाहर से करोगे तो वो सारी डिटेल सब पेपर्स की उठाएगा, फिर आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये कह रहा है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी डिटेल्स, तीन ऑथर शो कर रहा है, देखें तीन ऑथर शो कर रहा है, यहाँ पे देख लें तीन ऑथर, ये ए, ये दो और ये तीन। ठीक है, ये तीन हो गया ऑथर। उसके बाद टाइटल देख रहे हैं अ रिव्यू ऑफ ग्रोथ, अ रिव्यू ऑफ ग्रोथ, और इसका एंड भी देख लें कहाँ पे ख़त्म कर रहा है, ये जी ब्रैकेट पे ख़त्म कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देख लें मीट साइंस जर्नल है, यहाँ पे जर्नल लिखा होगा मीट साइंस जर्नल है, ये देख लें। ठीक है, उसके बाद आप वॉल्यूम देखें कौन सा है, 80 वॉल्यूम है, 80 वॉल्यूम देख लें। इशू कौन सा है, तीन तीन देख लें। डेट कौन सी है, नवंबर 2008, 2008 लिख दिया। पेज नंबर देख लें, ठीक है ये लिख दिया इसने। उसके बाद ये पब्लिशर कौन है, ठीक है ये एल्सवेयर है। ठीक है, मंथ कौन सा है, नवंबर 11 ही होता है। ठीक है, कौन से डे पे हुए, फर्स्ट डे पे हुआ था नवंबर के। ठीक
ठीक है, उसके बाद इसका एब्स्ट्रैक्ट भी इसने ले लिया, कीवर्ड्स भी ले लिया, डेट कौन सी डेट पे आपने सर्च किया वो भी इसने उठा लिया, ठीक है। उसके बाद इसने इसका इस जनरल का DOI नंबर भी उठा लिया, ठीक है। DOI डिजिटल जो है ना, उसको कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर शायद, अब कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इस तरह से कोई इसका स्टैंड फॉर है, तो उस तरह से जो है ना ये कर लिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है अनस्पेसिफाइड, तो मीन्स ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये बुक है क्या है, मैगजीन का पेपर है, तो आपने आपको पता है ये जनरल का पेपर है, जनरल आर्टिकल है, तो आप यहाँ पे जनरल आर्टिकल कर दें। अगर आप वैसे भी अनस्पेसिफाइड भी रहने दें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक कर दें तो ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पे, आपने अपनी लाइब्रेरी में जो भी फोल्डर बनाया होगा आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी फोल्डर में नहीं ऐड कर रहा, ठीक है, क्लियर ऑल कर दिया मैंने, तो ये माय लाइब्रेरी जनरल, आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे ये आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इस पेपर का टाइटल जो है कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने जस्ट जाना है जी अपने वर्ड फाइल में, और आपने रेफरेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जी करना है इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन करने के बाद आपने अपना जो है टाइटल उसकी सर्च बार में पेस्ट कर देना है, और ये इसके रिलेटेड दो पेपर पड़ेंगे, ठीक है। दोनों 2008 में सेम पेपर है, मैंने दो दफ़ा अपनी लाइब्रेरी में सेव किया है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, खादिम 2008 आ गया, ठीक है, और ये कंफर्म है यही है। तो अब ये खादिम एट अल, क्योंकि तीन ऑथर थे तो उसने क्या कर दिया, दो ऑथर को मिस करके उसको खादिम एट अल कर दिया, और आगे डे ईयर आ गया 2008, और इस तरह से इसने ये कर दिया। अब ये देखिए नीचे कोई ना रेफरेंस वगैरह नहीं आ रहा होगा इसका, जब तक आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी नहीं करेंगे नीचे कोई रेफरेंस जो है वो ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी आप कर रहे हैं नीचे रेफरेंस ऐड, तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया तो ये नीचे रेफरेंस जो है ऐड हो गया। ये आप लास्ट पे कर लें, स्टार्ट में कर लें, ये आपका अपनी मर्जी है, ठीक है, कोई इसका इश्यू नहीं है। तो ये था सिंपल सा वेब इंपोर्टर। पहले आपने क्या करना है, अपना वो डाउनलोड कर लेना है डेस्कटॉप पे, और एक्सटेंशन में यहाँ पे भी ऐड कर लेना है, ठीक है, अपने क्रोम में। अगर आप कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो जैसे भी है, बहरहाल क्रोम जो है उसमें इजीली ऐड हो जाता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो आपने क्रोम में इसको एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है, डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, दोनों जगह पे साइन इन कर लेना है। यहाँ पे भी अकाउंट साइन इन होता है, ये देखें ये साइन इन हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने अपने डेस्कटॉप पे भी साइन इन करना है, यहाँ पे भी साइन इन करना है, और अपने फिर क्या नाम है, यहाँ से जस्ट क्लिक करना है। जब भी आपने कोई फाइल खोली है, देखें अगर मैं आप यहाँ से गूगल से जनरल कोई फाइल खोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से खोल रहा हूँ जी कैमल के बारे में कुछ भी, ये खोल दिया मैंने कैमल के बारे में, तो अब मुझे इसका रेफरेंस ऐड करना है। तो अब इसका रेफरेंस मैं कैसे ऐड करूँगा, इसका तो कोई ऑथर वाथर नहीं, इसका ऑथर है रिटर्न बाय ये रहा, ठीक है, तो इसका ऑथर ये होगा, ये रहने दें इसका, क्योंकि ऑथर आ गया है कोई ऐसा जिसका ऑथर ना हो, ठीक है। अब ये देखें इसका जो है ना ऑथर नहीं होगा, हाँ जी इसका ऑथर जो है वो नहीं है, ये ऐसे ही किसी ने ना अपडेट अपलोड किया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, वेब इंपोर्टर पे जाएंगे, ये क्या कहेगा, ये इसको वेब कहेगा, ठीक है। अब ये देखें इसने इसको क्या कह दिया, वेब पेज, ठीक है, वेब पेज है। इसने इसका टाइटल उठा लिया, ऑथर कोई नहीं है इसका। उसके बाद आपने देख लेना है पब्लिकेशन किस ईयर में हुई है, पब्लिकेशन कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि वेब पेज है तो कुछ नहीं आएगा। इसका डेट आ जाएगी, इसकी कौन सी डेट पे इसने एक्सेस किया है, ठीक है। उसके बाद DOI नंबर, ISSN नंबर कुछ भी नहीं है, तो आपने यहाँ पे देख लेना कुछ इस तरह से डेटा तो नहीं है, आप देखें सिर्फ अरबियन कैमल लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखें इसका वेट वगैरह वो लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ DOI नंबर कुछ वो कोई नहीं दी हुई, डिटेल नहीं दी हुई, ठीक है। तो फिर आपने इसको ऐसे ही ऐड करना है, और यहाँ से आप जो फिर जब रेफरेंस ऐड करेंगे तो ये जो है आ जाएगा ऊपर अरबियन कैमल, या इस तरह से कुछ भी ऊपर आके वो फिर वहाँ पे इंसर्ट कर देगा अपना वो रेफरेंस, तो इस तरह से जो है वो हो जाएगा इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है, ये नेशनल जियोग्राफी है, तो आप यहाँ पे वेब पेज लिख दें, वेब पेज का नाम लिख दें नेशनल जियोग्राफी,
और यहाँ पे पब्लिकेशन में लिख दें नेशनल जियोग्राफी, तो वो हो जाएगा। फिर आपका ये ऐड कर सकते हैं इसमें। ईयर यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो ईयर आप नहीं लिख सकते, अगर कोई और डिटेल शो हो रही हो तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ईयर नहीं शो हो रहा, DOI नंबर नहीं शो हो रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो आप इसके लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर कुछ शो हो रहा होता तो आप लिख देते। ठीक है, तो ये था सिंपल सा मेथड। मैं आपको एक वहाँ पे इंसर्ट करके दिखा भी देता हूँ, मेरे ना वहाँ पे लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं कुछ। ये देखें, ये इंसर्ट साइटेशन पे जाना है आपने, तो मेरे पास आई थिंक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पड़ा हुआ है, उसका रेफरेंस मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान इकोनॉमिक, मैंने अभी सर्वे कंप्लीट नहीं लिखा, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक लिखा तो इसने 3 सर्च कर दिए, तो मेरे पास, मुझे पता है क्योंकि ये 2019-20 वाला उठाना है, तो 2019-20 पे क्लिक करूंगा। ये देखें यहाँ पे इसने लिख दिया नो आर्थर, कि इसका आर्थर कोई नहीं, क्योंकि ये वेब पेज है तो इसका आर्थर कैसे कोई हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2020 इसने क्लिक कर दिया। इसके अलावा एक और भी होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये 2012 का भी पड़ा है, 2020 का भी पड़ा है, अभी आपकी मर्जी, आपने किस पे करना है। ये मैं इस पे कर रहा हूँ, ये कह रहा है इसका भी आर्थर कोई नहीं। ये देखें, इसने इसकी वेबसाइट जो है ना उसको उठा के यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस तरह से ये शॉर्ट सा प्रोसीजर है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, इसको यूज़ करना इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो आप देख लें, आप कोई भी सवाल हो तो पूछ लें। अच्छा, ये तो मैंने ना उस दिन सारा कर लिया था। इसमें अच्छा पहले ये करना है कि जो भी आपने पेपर डाउनलोड करने हैं वो माय लाइब्रेरी में डाल